लश्कारा सनी मेरे हाथ से है, मेरे लश्कारे, मेरे नखरे कुछ भी नहीं रहा, सब बर्बाद हो गए तेरी वजह से। अल्लाह पाक दे के मैं बताता हूँ। इसने किए मैसेजेस बबली के फोन से इसको बुलाने के लिए। तेरा गुनहगार चुप चाहे सुसाते तो नाम हो बबली। मैंने भी यही कहा था। जो कुछ तूने बबली के साथ किया है उसका बदला चुकाए बगैर मैं तुझे इस घर से जाने नहीं दूंगी। माफ कर दे बबली। गलती जितनी मर्जी बड़ी हो, तेरी मोहब्बत से बड़ी तो नहीं होगी ना। फीके तूने मुझे क्या समझा? तुझे लगता है मैं मोम की बनी? हाँ बबली, जिधर चाहेगा मोड़ लेगा। इंसान हूँ फीके, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। एक मौका, एक आखिरी मौका भी नहीं देगी अपने बॉन्डे को? ठीक है फिर, मैं भी फिर नहर का ही रुख करता हूँ। ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, शर्म नहीं आती? मन भी तो नहीं रह रही तू? और कोई रास्ता छोड़ा तूने? आने जा बबली। फिर अगर तूने मुझ पर शक किया तो? मेरी कदर भी नहीं। जी फिर आईने में तुझे अपनी शक्ल मेरे सामने बोंगी लगी, फिर तो गला घुट गई मेरा, अपने हाथों से घुट गई। तेरी कसम। बबली तेरा नहीं, जैसे बचपन में हम तेरी गलतियां माफ कर देते थे, उठने वाले तू हमारी गलती माफ कर दे। हो जाता है? हो जाता बबली, तुम माफ कर दे। माफी मांग, बैठ से मांग माफी, मांग माफी। रहने दे, वाह वाह वाह, वो तूने क्या बदला लिया वे? वो उसको बर्बाद करने के बजाय तूने उसे आबाद कर दिया। वो नकाम आशिकों की सारी कीती कराई ना पानी में फेर के, और तूने तो इंतकाम की रीत ही बदल दी है। और फिर ना कोई अपनी झूठी अना का बदला लेने के लिए अपनी महबूबा को तंग करेगा, ना उसे अगवा करेगा, और ना ही उसके मुँह पर तेजाब फेंकेगा। वाह भाई,
अम्मी जी खाना खा लें। सुबह से कुछ नहीं खाया। तेरी तरह ढीठ नहीं हूं ना, जिसे किसी के प्यार मोहब्बत दुख सुख गम गुस्से से फर्क ही ना पड़ता हो, जिस तरह से तूने इस रिश्ते पर नई नई की रट लगा रखी थी ना, मुझे समझ जाना चाहिए था तूने इन दोनों को देख के जलते ही रहना है। अलग कर देती उन्हें, अलग घर ले देती, तेरी नजरों से छुपा के रखती दूर कहीं दूर। ऐसा क्यों किया तूने निकी, मेरे घर में आग क्यों लगाई तूने, क्यों? आपको मुझे जो बोलना है बोल दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बोलन जोगी रही कहाँ है तू मुर्दार, जा अपनी शक्ल गुम कर यहां से, जाके फीके का कमरा ठीक कर, कितने दिन से वीरान पड़ा है, चादरें बदल पर्दे सही कर, ताजे फूल लगा उसमें, चल जा। बीबी जी, ड्राइवर कह रहे हैं चौधरी साहब का फोन आया, वो कह रहे हैं कि गड्डी वापस मंगा लो, बच्चे लकीरां पा देंगे। आप नहीं आ रहे? पता नहीं जी, सामान भी मंगाया। सामान? है? फीका, मेरा मतलब है रफीक पुत्र, इतने का हमारे घर? वो नहीं चाहता है कि अब हम दोनों उस घर में जाएं। वो नहीं चाहता या तू जाना नहीं चाहती? मैंने कुछ नहीं कहा है। नहीं, तेरा नहीं, लड़ाई झगड़े तो हर घर में हो जाते हैं, मैं और तेरी माँ अभी तक लड़ते हैं, लेकिन तू तो सियाणी बियाणी हो गई है, तो तूने? अबे मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो कहीं पे भी रहने चली जाऊं उसके साथ, ये उसका अपना फैसला है। पर नसरीन कभी नहीं मानेगी। उन्हें मैं आप ही मना लूंगा। आप बताएं, आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं मेरे यहाँ रहने से? नहीं नहीं रफीक पुत्र, बोला हमें क्या इतराज हो सकता है, देख काका जैसे ये बबली का घर है वैसे ही तेरा भी घर है, पर रफीक पुत्र पर ये हमारा घर ना तेरे काबिल नहीं है। इससे भी छोटे घर में पैदा हुआ ना खाला, वैसे भी हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। अब्बा जी का घर पड़ा हुआ है, तीन चार दिन में उसको साफ सुथरा करा के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। पर फीक अब आए ना? रफीक? हाँ चाचा जी, फीका ही ठीक है। फीक फाइन,
वो तो सारा खंडर बना पड़ा है। मैंने ये भी सुना है बबली वो रूए छुए रहती है उधर। हाँ तो ठीक है, बबली को देख के आप ही दौड़ जाएगी। पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोग वो निक्की बाजी को निकालने के बजाय खुद क्यों भाग रहे हो। रह दे भी बाले, वो जाने उनका काम जाने। जी बंगला पुत्र फीक पहन गया ना है, तो बंगला छोड़ के वो खंडर में क्यों जाए, सवाल तो बनता है। ऐसे बंगले का क्या करना है, ऐसी दौलत का भला क्या फायदा। आपकी खुशी है जी, तो यही रहना इस महल्ले में, इन गलियों इन लोगों यहां के शोर में भी ना सुकून है, वहां की तो खामोशी भी तकलीफ देती है यार। फीका फीका नहीं रहता, बबली बबली नहीं रहती। हम तो जी यहां के लोग हैं, नहीं चंगे हैं। बीबी जी मैं बबली बाजी तो चौधरी साहब का खाना किचन में ही रख देता है, वो आएंगे तो गर्म कर देंगे। नेल्सन वो खाना जो किचन में रखा है ना वो भी लाके इनके आगे डाल दे, बहुत हिर्स है ना इन्हें, इनकी हिर्स खत्म होनी चाहिए। मेरा बेटा जब आएगा तो और खाना बन जाएगा। जी अम्मी जी, अम्मी जी हमें माफ कर दें, ऐसे तो इस घर में रहते हुए हम मर ही जाएंगे। फिक्र ना करो, ढीठ और बेहिस लोग ही ज्यादा जीते हैं। बस दुआ करो कल मेरा बेटा मेरे साथ वापस आ जाए, वरना तुम लोगों को माफी तो क्या, रैम की भीख भी नहीं मिलेगी। फीका वापस? तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है इस घर में। तुम्हें इस घर में मैंने सिर्फ जलील करने के लिए रखा है। सुबह तैयार रहना, फीके और बबली को लेने मेरे साथ जाओगी तुम।
बबली। हाँ तो पूछूं? पूछ ले। फिर से अपने हब्बे की दुकान खोल लूं, कड़े बेचना शुरू कर दूं तो शर्म तो नहीं आएगी ना तुझे? आएगी, शर्म नहीं, मोहब्बत, मोहब्बत आएगी तुझ पे टूट टूट के। एक बात बताऊं, टूट टूट के तो प्यार आता है, मोहब्बत की जाती है टूट के। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, मैं नोट कर रही हूं, तू बदल गया, पक्का सियाणा सा हो गया, बड़ा बड़ा। हाथ दे, दे। जो जुदाई होती है ना बबली, बड़े बड़े कमले सियाने। एक और बात बताओ, बातें तू जितनी भी सियानी कर ले ना, शक्ल तेरी बोंगों वाली है, गल तो ठीक है तेरी। अच्छा लगता था, तुझे बस मोहब्बत करनी नहीं आती, सुनी तुझे निभानी भी आती है, मोहब्बत ना वाकई मत मार देती है। चंगा पल्ला चौधरी रफीक फीका रंग वाला बन गया। क्यों अपने सीने पे मूंग डाल रहा है? चल उठ यहां से। कहां जाऊं चिट्टा जी? बाहर यारों दोस्तों में चलते हैं, शुगर मेला लगाते हैं। चिट्टा जी, बबली जी की हंसी की जो आवाज है ना, वो कभी इधर ऐसे ना, ऐसे कानों में गूंजती है मेरे, चाहे मुझे जहां मर्जी ले जाओ, वो स्टेशन नहीं होता ट्रेनों का, या ट्रेनें चारों तरफ से शंग 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 करके गुजरती है, पास बैठे बंदे की आवाज नहीं आती ना वहां, मुझे आनी है वहां पे भी, बबली जी की हंसी की आवाज आनी है मुझे। नहीं तो कैसे पढ़ा रहेगा यहां, ऐसे ही अपना जिगर छलनी करता रहेगा। और चिट्टा जी, ये जो इश्क के दिए हुए फट होते हैं ना, उनके जो जख्म बनते हैं, उन्हें जिस तरह खुले दो, जैसे मर्जी ऐसे करके भी खुले दो ना, तो मजे ही आते हैं। बस मजे ले रहा है सनी, मजे आ रहे हैं यार। अपने ना ये कबूतरों के पिंजरे ये बात कर ले, कितने पैसे लगे?
मैं कर दूंगा कहीं से। कबूतरों के पिंजरे। और चिट्टा जी, और चिट्टा जी, कबूतरों के पिंजरे आबाद करने के लिए ना मस्तियां चाहिए। मस्तियां किधर गई हैं? मस्तियां मोहब्बतें चाहिए, वो किसी और से कर लेंगे। चिट्टा जी, मुझे लगा कि बबली जी की जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ मोहब्बत है। मैं उनकी मोहब्बत में दाखिल हुआ, मुझे पता ही नहीं था वो पिंजरा था। चिट्टा जी, पैर अंदर रखे, पीछे दरवाजा ठक बंद, मैं पिंजरे में कैद। कैद हो गया। चुप लग गई है चिट्टा जी। हूं नहीं उड़ने सनी को कबूतर, हूं नहीं लगनिया आवाजा, नहीं बजनिया सीटियां। मैं नहीं जाना कितने चिट्टा जी, मैं जिते बवो नहीं, तो तुसी भी जाओ। सनी, सनी, बबली जी, कैसा है तू? ठीक हूँ। तुझे थैंक यू बोलने आई थी। क्यों? बहुत बड़ा एहसान है तेरा सनी मुझ पे। कैसी बातें कर रही हैं जी? ये भी कोई बात है भला करने वाली? ये जो सारा कुछ है, ये आपका ही तो है। ये जो सारा कुछ है, ये आपका ही तो है। चुप कर जा, गल सुन मेरी। वो कहा मुझे अच्छा लगता था, समझ नहीं आती थी क्यों अच्छा लगता था। कुछ समझ आ गई है सनी, तू अंदर से बहुत सोना है, बहुत साफ, अच्छा। तुझे बस मोहब्बत करनी नहीं आती सनी, तुझे निभानी भी आती है। बहुत अच्छा इंसान है तू। चलो जी, बस करो बस करो, बच्चे की जान लेंगी, बस जान दियो। और गल बोलू? हाँ, हुकुम हुकुम को हुकुम। तू ना फंदा बन जा सनी, ये जो तुम मजनू बना फिरता है ना, कसमें मुझे नहीं अच्छा लगता। तू तो मल्ले का कण टूटा है, तू तो सनी है। तेरी गर्दन इस तरह
झुकी हुई नहीं अच्छी लगती। सुनिए बस कर दे अब ना, तू आगे बढ़, कुछ बन जा, अपनी जिंदगी शुरू कर दे। जो तू हुक्म हुक्म करता है ना, तेरी बबली का ये हुक्म है अपने सनी वास्ते। जिंदा रह, पता नहीं है काम करते बंदे को ना तंग नहीं करना चाहिए। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, हाथ खुले हैं तेरे, करती रह काम। कुमारन नहीं हूँ मैं, रंग वाली हूँ। जब तक देखूंगी नहीं पता कैसे चलेगा कि रंग गाढ़ा है या हल्का। और जब तक मैं तुझे नहीं देखूंगा कैसे चलेगा कि इस दुनिया में कौन कौन से रंग है। देख लेगा, देख ले। इतना शर्म हो गया है तुम्हें, तूने कर दिए। अब बार रंग लेने गया आता ही होगा। तो अपना रंग ही लेने आया हूं तुझसे। बड़ी बातें बनानी आ गई हैं तुझे हैं बोंगे। तुझसे तो सीखी है तूने, इस बोंगे को रांझा बना दिया। बाज नहीं आना है कि किद बट्टे रंगने हैं, शाम तक देने हैं सारे। अच्छा चल फिर। आज मैं ही रंगता हूं ये। पकौड़ों की कढ़ाई नहीं है फीके जी, रंग की कढ़ाई है। बबली जी,
सीख लेंगे, आपके लिए ये भी सीख लेंगे। मैंने ना सुना था पर देख अब रही हूं, मोहब्बत ना वाकई मत मार देती। चंगा पल्ला चौधरी रफीक फीका रंग वाला बन गया। इसे इसे घुमा, इसे इस तरह घुमा। चल फीके घर चल, मुझे नहीं जाना, मैं खुद अपना घर बनाऊंगा। बात सुन फीके, देखना लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये मैं निकी को लाई हूं साथ ना बबली से माफी मांगने के लिए। बबलीबा मैं इसे माफ कर दे, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूं। अच्छा तू मुझे बता दे, जैसे तू कहेगा ना मैं बता, मैं इसको क्या सजा दूं? यही सजा है इसकी, रहे उस घर में कर लिया। ठीक है, ये उसकी सजा तो ना हुई, ये तो मेरी सजा है। इसका क्या है, ये तो चाहती ही थी। ये जो चाहती थी ना, वो जानने में आपने बड़ी देर कर दी अम्मी जी, थोड़ी सजा तो आपको भी भुगतनी पड़ेगी। मेरे बच्चे मुझे कोई और सजा दे दे, इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। कोई नहीं मरता अम्मी, मैं मर रहा हूं। बेटों के बिछड़ने से अगर माए मरने लगती ना, तो अकरम की मां कब की मर गई होती, जब वो ब्याह से पहले उसको छोड़ के चला गया। अम्मी जी ये चाहता है कि मैं उस घर से चली जाऊं, और कोई बात नहीं है। ये जा रही थी अल्लाह की कसम, मैंने रोका इसे, मैंने कहा कि नहीं तू इधर ही रह, तू इधर ही रह के जलील हो, बबली की नौकरानी बना के रखूंगी मैं। बबली को किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। जुम्मे के जुम्मे आ जाया करूंगी अम्मी जी, आप मुझे दरवाजे के बाहर से 10 जूतियां मार के वापस भेज दिया करना, लेकिन अब ये नहीं हमें उस घर में बर्दाश्त करेंगे। आप चाहे जितना मर्जी दलील कर ले मुझे। देख निक्की, तू भावे मार रहे या चली जाए, मैं नहीं आता वापस। मतलब फिर तो तेरी जिद मेरे से हुई ना, मैं चली जाऊं। अम्मी मेरी किसी से कोई जिद कोई नफरत नहीं, मैं बस अपनी जिंदगी खुद शुरू करना चाहता हूं। तो कैसे फीके, कैसे बनाएगा अपनी जिंदगी, क्या करेगा तू? पकौड़े बेच लूंगा मैं। पागल तो नहीं हो गया? अम्मी जी मुझे नहीं बनना चाहती रफीक, ठीक हूं फीका ही, पुरानी दुकान खोलूंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। अच्छा मेरी बात सुन फीके, जो पकौड़े तू बेचता था ना वो मैं बनाती थी, अब सिर्फ दुकान खुलने से तो नई दुनिया नहीं ना बननी, है ना? तो बबली बना देगी मुझे पकौड़े। बबली और पकौड़े, जैसे खीर बनाई थी उसने। अच्छा चल चुप कर फीके, क्यों तमाशा बना रहा, दो दिन नहीं चलनी दुकान है, कुछ और कर लूंगा, मेहनत मजदूरी कर। मेरी जान,
तुझे पता है कि मजदूरी कितनी मिलती है दिन की? पता है? अम्मी, छोटी छोटी थी ना, ख्वाहिश बड़ी थी, गुजारा तो तब भी हो जाता, उठी बड़ी है ना, गुजारा हो जाए। इधर आ, इधर आ, चल 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 निकल। बबली अब क्या चाहती है तू? शिकारा।